हे गाइस, माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह। आप जुड़े हुए हैं इलंडम के यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे एक बात करने वाला हूं, और अगर आप इस बात को अप्लाई करिएगा तभी इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। अगर आप सिर्फ सुनने के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं अभी कहूँगा कि आप इस वीडियो को मत देखिए। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो मैं बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उस बात को अगर वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को सुने। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और आप कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, इवन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। दैट ट्राई टू डू वन थिंग कि जब भी आप कहीं से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप ईलर्नम के साथ जुड़े हो, वन एकेडमी के साथ जुड़े हो, कहीं पे भी आप जुड़े हो मेरे साथ, आप सबके साथ एक बड़ा वो इशू होता है कि सर हमें रिवीजन का मौका नहीं मिलता, रिकॉलिंग का मौका नहीं मिलता, या हम भूल जाया करते हैं। इस सारे प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं अगर आप एक चीज़ करना शुरू कर दें। आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मेरी एक पहली क्लास हुई और आज की क्लास में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया एक्स वाई जेड, वो आपने पढ़ा मुझसे। जब मैं कल की क्लास लूँगा तो कल उसी टाइम से, जिस टाइम पे वो क्लास हो रही है, उस क्लास से पहले 10 से 5 मिनट पहले आपने उस जो प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास के नोट्स से आपने 5 से 10 मिनट क्विक रिवाइज कर लिया। क्विक रिवाइज का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, जस्ट गो थ्रू विद द स्लाइड्स, पीडीएफ या नोट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है पिछले क्लास का, उसके थ्रू जाइए कि एक ओवरव्यू कि आपने कल क्या पढ़ा था। अब वो कंटेंट आपने क्लास के जस्ट जब क्लास शुरू होने वाली हो उससे 10-15 मिनट पहले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा दिन उस पर दो, जस्ट क्लास शुरू हो रही है, मान लीजिए कि मैं क्लास 6 बजे ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली 6 बजे क्लास लेता हूँ अनअकैडमी, मान लीजिए कि मैं 6 बजे क्लास ले रहा हूँ, तो आप 5:50, 4:50 या समथिंग एक घंटे पहले आपने 10 मिनट के लिए रिवीजन कर लिया, और जब वापस आप जुड़ गए मेरी क्लास में तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस जो पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास थी उसके आपने 10 मिनट में क्विक रिवीजन करके आप आ गए। इससे 3 फायदे आपके पास होंगे। वो 3 फायदे में पहला फ़ायदा ये होगा कि आपके साथ कनेक्टिविटी बनेगी, क्योंकि हमेशा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या जो आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाने वाला कॉन्सेप्ट होता है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है, तभी एक सीरीज वे में चीज़ों को पढ़ाई जाती हैं, रैंडम नहीं पढ़ाया जाता। और इसी वजह से अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, और कनेक्टिविटी बनेगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी ये चीज़ होगी कि आपका रिवीज़न हो जाएगा। 10 से 15 मिनट आपने अगर उस टाइम पे दिया है तो आपको एक अलग से बहुत बड़ा समय देने की ज़रूरत नहीं थी, और उस रिवीजन की वजह से, उस क्विक रिकॉलिंग की वजह से आपके दिमाग में चीज़ें एक ओवरलैप करेंगी और आपका एक क्विक रिकॉलिंग हो चुका है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि आपने क्या किया है कि ये आइट्रेटिव मैनर में अगर आप करते रहे तो आपको जो क्लास इंटरेस्टिंग और एंथुजियास्टिक लगेगी। कई बार हम क्लास को बोरिंग फाइंड आउट करने लगते हैं बिकॉज इस वजह से, क्योंकि हम जो होते हैं पहले की चीज़ें भूल चुके होते हैं, और हमें जब कनेक्टिविटी फील नहीं होती तो हमें अनइंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप प्रीवियस चीज़ों को जानते रहेंगे तब। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं क्लास को, और जो है कनेक्टिविटी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस वन कि जब भी मान लीजिए कि आज मैंने क्लास ली, आज के बाद मैं कल जुड़ा, आपने आज का 15 मिनट रिकॉल कर लिया, इसके बाद क्या है कि फिर कल के बाद मैं परसों क्लास में जुड़ा तो आपके पास 2 दिन के पीडीएफ आए, 2 दिन का नोट्स आया, वो 2 दिन के नोट्स को फिर से आपने 15 मिनट में किया, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले वाली क्लास को 15 मिनट देखा था, तो उसके दूसरे दिन वाले में जब देखोगे तो 5 मिनट ही लगेगा उसको देखने में, दूसरी क्लास को 10 मिनट लगेगा। इसके बाद जो है तीसरे दिन जब मैं क्लास लूँगा तो आप चौथे दिन जब क्लास लूँगा तो आपके पास 3 दिन के नोट्स होंगे, उस 3 दिन के नोट्स में पहले दिन आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे होगे तो उसमें और कम समय लगेगा, 1-2 मिनट में पूरा का पूरा देख लोगे फटाफट, अच्छा ये था, दूसरी क्लास को 5 मिनट लगेगा, फिर तीसरी को 10 मिनट, तो 15 मिनट में फिर भी हो जाएगा आपका। तो ये कंडीशन क्या है कि आप जैसे जैसे क्लासेस करते रहोगे, मान लीजिए 1 महीने में मैंने एक क्लास में या एक कोर्स में मैंने 30 क्लासेस ली,
अब 30 क्लासेस के पास आपके पास 29 लेक्चर, आप सोचिए पहली क्लास करीब करीब 29 बार आपकी रिवाइज हो चुकी होगी। सो जब भी आप क्लासेस में जुड़े वो प्रीवियस पूरा पढ़ के जाए जो उससे पहले पढ़ाया जा चुका है। पढ़ के जाने का मतलब एक क्विक रिवीजन करके, हमेशा हर क्लास से पहले एक क्विक रिवीजन करके जाएं। जस्ट गो थ्रू अ क्विक रिवीजन ऑफ होल प्रीवियस नोट्स बिफोर गोइंग लाइव फॉर एनी क्लास। किसी क्लास में लाइव जुड़ने के लिए या क्लास में अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो भी जाने के लिए आप उससे प्रीवियस जो भी पढ़ाया है उसको एक क्विक रिवीजन करके लेके जाइए। और जब लेके जाएंगे तो मैं ये बेट के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको एक महीना ट्राई करिए, किसी एक कोर्स में ट्राई करिए, किसी एक एजुकेटर के साथ ट्राई करिए, कहीं पर भी ट्राई करिए, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो। ये जरूरी नहीं कि आप पान अकेडमी या ई लर्नम के साथ ही जुड़े हुए हों, कहीं पर भी आप जुड़े हों ट्राई करिए इसको, एक महीना ट्राई करके देखिए। अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आप मेरे को बताइएगा, इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे जो कह चाहे चैलेंज कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू डू फॉर 1 month विथ लॉयल्टी, लॉयल्टी के साथ जो है इस चीज़ को ट्राई करिए और इसका इफेक्ट आपको ऐसा दिखेगा जो मैजिकल है, जो कि मैजिकल है। यू डोंट नीड एनी टाइम फॉर रिवीजन, आपको रिवीजन के लिए, रिकॉलिंग के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उसको बस 15 मिनट रिकॉल करके चाहिए। इस चीज़ को ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे बताइए कि क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है जो आपको दिख रहा है। और दिखा तो भी बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो सभी के काम आ सकती है। इसको जितना मर्जी है उतना शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनअकैडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रेफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।